तो स्वागत है आप सबका। आज हम ये देखेंगे कि आप एक अनजाने से लड़की को फेसबुक पे कैसे पटा सकते हैं और उसका व्हाट्सएप नंबर कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि कोई ऐसी वीडियो अपलोड करो जिसमें फेसबुक से किसी लड़की का नंबर कैसे लेते हैं। बस इन्हीं हवस के पुजारियों के वजह से ऐसे यूट्यूब चैनल चलते हैं। कोई भी एक चुतिया सा वीडियो डाल देंगे और लोग उसको देखेंगे। क्यों? हवस। तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि मैंने इस लड़की से किस तरह से बात की और किस तरह से फेसबुक पे इसका नंबर लिया। सबसे पहले मैंने फेसबुक पे एक लड़की सर्च की अच्छी सी, और फिर मैंने उसको मैसेज किया। अच्छा, तो ये कह रहा है कि आप एक लड़की को सर्च करो, वो लड़की चाहे आलिया भट्ट जैसी क्यों ना दिखती हो और आप चाहे नासिर खान जान जैसे क्यों ना दिखते हो, आप फिर भी सर्च करो। और सर्च करने के बाद अगर आपको आपकी दिल की रानी मिल जाए तो आप इसके स्टेप्स फॉलो करो। वो लड़की चाहे परी ही क्यों ना हो और आप चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, वो आपसे फिर भी पटेगी। और जरा इस लड़की के मैसेजेस को पढ़ना। कोई है? हाउ इज दिस अमन शर्मा? कौन अमन? डिड आई नो यू? इस आदमी ने पता है लड़की वड़की कुछ भी नहीं ढूंढा। इसने अपने एक दोस्त को 18 रुपए और 13 पैसों में फिक्स किया और बोला तू 9 रुपए अभी रख और बाकी के पैसे काम होने के बाद दूंगा। बस तुझे जो भी बोलता रहूंगा तू मुझे उसका पॉजिटिव रिप्लाई देते जा। ये बंदा लोगों को सीधा सीधा चूतिया बना रहा है। और पता है आपको इस चूतिया बनाने के उसको कितने व्यूज मिले? 1 मिलियन। मैं सुबह के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कितने व्यूज मिलेंगे? 10। वाह भाई वाह, मैं तो सोच रहा हूँ अपना कंटेंट ही चेंज कर दूँ। सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो का टाइटल ऐसा रखूँ, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल ऑन फेसबुक एंड गेट व्हाट्सएप नंबर प्लस प्राइवेट फोटोज। साला कम से कम 10 मिलियन व्यूज आएंगे। छोड़ो अब क्या कर सकते, किस्मत में नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जले पे नमक छिड़क के क्या फायदा। अभी तो नहीं, पर हाँ बहुत जल्दी जान जाएंगे। सॉरी, मैं उन लोगों से बात नहीं करती। भारतीय नारी होकर इतना डर? नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? भारत की नाड़ी, मेरा मतलब नारी हो तो डरना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा मतलब कल को ये सोच लेके 2-3 बच्चे उठ के आए और लड़कियों को मैसेज करे, अरे तुम तो भारत की नारी हो ना, मुझे क्या 2-3 न्यूड्स मिल सकते हैं? मैंने अगर उसका गलत इस्तेमाल भी किया, तुम तो भारत की नारी हो ना भाई, तुम्हारे अंदर डर किस बात का? बॉयफ्रेंड है? नोप्स, नॉट येट। नूप्स? ये नूप्स क्या होता है? अरे अनपढ़ भाई, दूसरों को इतना चूतिया मत बना कि तू खुद ही चूतिया लगे। अब इसने नूप्स बोल ही दिया तो हम इस नूप्स को नहीं छोड़ सकते। चलो जरा खेलते हैं इस नूप्स के साथ। भाई क्या तू गे है? नूप्स, नॉट येट। अच्छा मतलब गे बनने वाला है। तो क्या तूने गे बनने से पहले किसी दूसरे गे के साथ कुछ गिलू गिलू करने का सोचा है? नूप्स, नॉट येट। अच्छा चल कोई बात नहीं। क्या तुझे नासिर खान जान पसंद है? Nope, not yet. अच्छा तो करण जौहर तो पसंद होगा ही है ना, सच बोलना। Nope, not yet. क्या बात है भाई, बड़ा डिमांडिंग निकला तू तो। मुझे देख के ऐसा लगता है क्या? चूतिया। जैसे ही लड़की बोले नो आई डोंट गिव माई नंबर, सॉरी आपको बोलना है दिस इज चीटिंग दिव्या जी, रूल इज रूल, आपको बोलना है। और लड़की को, लड़की ये बिल्कुल नहीं सोचेगी कि वो किसी गेम में रूल तोड़े या किसी बंदे से पहली बार बात करते हुए वो चीटर कहलाए। तो आपको ये बोल देना है जिससे कि मतलब कुल मिला के आपको एक सेंटी डायलॉग मार देना है कि दिस इज चीटिंग दिव्या जी, रूल इज द रूल। यही तो सबसे अच्छा ट्रिक बोला इसने पूरे वीडियो में। मतलब एक लड़की जिसने आपको पूरे जिंदगी में कभी नहीं देखा है, उसको ये नहीं मालूम आप काले हो गोरे हो, आपका छोटा है आपका बड़ा है, आपको है नहीं, ये उसको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो फिर भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देगी, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसको कोई चीटर बोले। वाह, इस हिसाब से व्हाट्सएप का नंबर मिलने के बाद तो ये सीधा बोलेगा कि दिव्या जी प्लीज मुझे आप आपके न्यूड्स दे दो ना। वो बोलेगी नहीं मैं तो अपना न्यूड्स अननोन लोगों को नहीं देती हूँ। तो ये बोलेगा ये तो चीटिंग हो ना, आप तो चीटर निकले। वो बोलेगी नहीं लो मेरा न्यूड्स लो, लेकिन मुझे चीटर बिल्कुल मत बोलो। ये लिखा है बट डोंट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ओके? तो इसके ऊपर उसने मुझे अपना नंबर दिया तो मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया है गाइस, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि नंबर क्या था, तो आप समझ सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में इस बंदे ने उस लड़की का फेसबुक में जो नाम है वो बताया, यहाँ तक कि प्रोफाइल पिक्चर तक दिखाया और व्हाट्सएप नंबर छुपा रहा है। वेरी गुड। मतलब ये तो वही बात हो गया कि एक बंदा एक पोर्न स्टार को फोन करके बोलता है मेरे पास तेरे न्यूड्स है, पैसे देने तो मैं रिलीज कर दूंगा।
लेकिन जैसे तैसे करके पता नहीं कैसे मैं इस वीडियो से इंस्पायर हो गया, और इंस्पायर होने के बाद मैंने एक लड़की को मैसेज किया, और गजब का बात तो यह हुआ कि उस लड़की ने मुझे सच में उसका नंबर दिया, लेकिन उस नंबर में थोड़ा गड़बड़ था। वो नंबर उस लड़की के चाचा का निकला जो एक कॉन्स्टेबल है पुलिस में। लो कर लो बात अभी। मैं तो चूतिया बन चुका हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप चूतिया बने। लड़की किस्मत में रही तो अपने आप आएगी, और अगर आपको अपना किस्मत खुद के हाथों से लिखना है तो कांस्टेबल चाचा आपके हाथ में आएंगे, समझे? तो बस वीडियो को आज हम यही पे खत्म करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं। ओह कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे, और यूट्यूब में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।